हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक जो है वो उन लोगों के लिए जो जिन्हें स्लिप डिस्क है और वो बैठ नहीं पा रहे हैं, और वो नीचे तो बिल्कुल नहीं बैठ पा रहे हैं। तो मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी मेरी कंडीशन जैसी भी है तो उसमें मैं बैठ सकती हूँ, नीचे बैठ सकती हूँ। तो मैं बता दूँ आपको कि मैं बिल्कुल बैठ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी बता दूं कि मैं किस कंडीशन में थी जिस वक्त मैं बैठ नहीं सकती थी। तो वो कंडीशन इतनी वर्स्ट थी कि कितने भी नरम गद्दे पर या ऊपर ही जैसे बेड में बैठना है, टेक लगा के बैठना है, ये किसी भी तरह से मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती थी। मुझे बैठने के लिए पीछे हाथ का जो ये हाथ है, मैं पीछे की तरफ ऐसे थोड़ा टेक लगाती थी यूँ करके, और ज़रा सहारा लेके कोशिश करती थी कि मैं कुछ सेकंड बैठ सकूँ। मुझे तो सेकंड भर के लिए भी बैठना मेरे लिए मुश्किल था। तो मैं बहुत तकलीफ़ से गुजरी हूँ बैठने की वजह से ही, क्योंकि मैं कई साल बैठ नहीं पाई हूँ। 3-4 साल लगे मुझे नॉर्मली बैठने के लिए। तो मैं तो शुक्र अदा करती हूँ ऊपर वाले का कि मैं बैठ सकती हूँ, और मैं इस कंडीशन से बाहर आ गई हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि बैठने वाले जो प्रॉब्लम है वो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ और फील करती हूँ कि वो कैसा पेन है, वो बर्दाश्त से बाहर है। तो जब हम डॉक्टर्स को बताते हैं कि भाई हम बैठ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको यकीन नहीं होगा, मैंने एक डॉक्टर थे, मैंने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको ना साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें दिखाना चाहिए। तो मतलब हर कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ पाता है। बड़े से बड़े डॉक्टर से भी मैं मिली हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो समझ जाए आपकी दिक्कत, आप किस दर्द में हैं, क्या आपके साथ परेशानी है। मैं अपनी जो स्टोरी मैंने शेयर की है, मैं आपको बता दूँ कि मैंने उसमें हर चीज़ शेयर नहीं की है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी के दिमाग से निकल जाती हैं एट अ टाइम, तो लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने चाहती हूँ मैं कि बताऊँ आपको, और उनको मैंने कैसे डील किया वो परेशानियों को भी मैं आपसे शेयर करती रहूँ। तो जैसे जैसे मुझे ध्यान आता जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। सबसे पहले मैं आपका थैंक यू कहना चाहती हूँ कि जो मैंने वीडियो बनाई है और जिस पर्पज़ के लिए मैंने बनाई है तो उसे आप लोग तक वो पहुँच पा रही है और आप लोग उसे समझ रहे हैं और आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज की वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो मैं आपको बैठने के लिए जिसे प्रॉब्लम है उनके लिए ये वीडियो है। तो मैं अगर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी आप ख्याल रखें कि किसी हार्ड सरफेस पर ना बैठें, क्योंकि शुरू में मुझे स्लिप डिस्क के दौरान मुझे बैठने में दिक्कत नहीं थी। ये दिक्कत मुझे धीरे धीरे बढ़ती चली गई जब मैं लगातार बैठती थी, मुझे दिक्कतें बढ़ती गई। तो ऐसा है कि अगर आपको स्लिप डिस्क है तभी भी आप केयर करें इन चीज़ों की, आप बैठने के लिए बहुत एहतियात बरतें, किसी नर्म गद्देदार चीज़ पर बैठें। 90 डिग्री के एंगल जो ये ऐसे बैठते हैं ना, स्ट्रेट बैठते हैं, तो वो वाला एंगल आप हमेशा ध्यान रखें कि लेट के ना बैठें और तकिए को ऐसे करके बेड में लेट जाते हैं, आधे मुड़े हुए रहता है बॉडी, तो वो भी नहीं करना है। और बैठने के लिए देखिए, जो मुझे सजेस्ट किया था वो एक डॉक्टर थे, और उन डॉक्टर ने जो मुझे बताया था तो मैं वो सब कुछ आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि मुझे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, वो मुझे उन्होंने बताया था कि एक फॉर्म का टुकड़ा ले लीजिए, तो या तो आप किसी जो होते हैं ना सर्जिकल मेडिकल स्टोर होते हैं उन पर जाइए और वहाँ आप बताइए कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, तो वो आपको एक गद्दी टाइप देंगे जो ऑलरेडी बनी बनाई होती है। तो मैंने वो नहीं ली थी क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली थी, तो उस हिसाब से मैंने वो नहीं ली थी। फिर मुझे डॉक्टर ने ही बताया कि आप एक फॉर्म का टुकड़ा ले लीजिए, 400-500 रुपये का वो टुकड़ा आया था, तो मैंने वो लाई और उसे आप उसी शेप में बना लीजिए। एक देखिए, आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बैठने के लिए, अगर आप करना चाहते हैं तो। वैसे जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं वो गद्दे वाला जो फॉर्म का टुकड़ा है मैं वो लेके आई और उसे मैंने शेप में कट किया कि जिससे मैं उसमें बैठ सकूँ, वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। एक टुकड़ा मैंने लिया था, चौकोर टुकड़ा, और उसमें मैंने शेप दी
कट करके मैंने दो टुकड़े बनाए, पर मेरा बैड लक कि मैं उस वक्त किसी फॉर्म के टुकड़े पर या किसी चीज़ पर बैठ नहीं पाती थी, और मतलब मुझे वो मेरे पैसे बेकार गए, मैं उस पर नहीं बैठ पाई। ये देखिए, ये इस तरह का अब तो बहुत गंदी पुराना हो गया है, बहुत बेकार कंडीशन में है। ये इस तरह का टुकड़ा मैंने कट किया था, हालांकि मैंने बीच से ज़्यादा कट कर दिया था, लेकिन फिर भी ये मुझे बैठने के लिए थोड़ा रिलीफ देता था। तो ये इस तरह का मैंने टुकड़ा बनाया था, फॉर्म का टुकड़ा था, बहुत पुराना हो गया है। मैंने आप लोगों के लिए निकाला है ढूंढ के, हालांकि मैं दूसरी चीज़ भी ढूंढती रही, वो मुझे मिली नहीं है। तो ये इस तरह का मैंने कुछ बना लिया था, पर इससे मुझे उस वक्त रिलीफ नहीं आया था, मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ा था इसमें। ये हालांकि मैंने बाद में इसे यूज़ किया है, जब मैं बैठने लगी थी तभी भी मैं इसे यूज़ करती थी, ऐसे बैठने के लिए चेयर में डाल के ही बैठती थी मैं। तो डॉक्टर ने जो मुझे बताया वो था एक टू व्हीलर की जो टायर के अंदर जो ट्यूब होती है, मतलब बाइक की जो टायर की ट्यूब होती है, वो मुझे सजेस्ट की थी। और उसमें भी मैं आपको बता दूँ कि आप लोग आप सोचते हैं कि हम इसे हर जगह नहीं ले जा सकते, नहीं साहब, आपको ले जानी पड़ेगी, आपको शर्म बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको बैठना है और दर्द से बचना है और आपको ठीक होना है, मेन चीज़ है कि आप ठीक ही तब होंगे जब आपके जो टेल बोन के नज़दीक के जो टिश्यूज़ हैं अगर वो ठीक होंगे तभी आप इस दर्द से निजात पा सकते हैं। तो क्योंकि मेरी कमर दर्द ठीक होने के बावजूद मुझे टेल बोन से पेन लगातार आता रहा था, उसके बाद मैंने मेडिसिन बंद कर दी थी, लेकिन ये चीज़ मैंने कंटिन्यू की है। ये बैठने का जो प्रोसीजर है वो मैंने अप्लाई किया है एक डेढ़ साल, लॉन्ग टाइम मतलब काफ़ी लंबा टाइम होता है, मैंने ये लगातार किया है कमर दर्द ठीक होने के बाद भी, जब मैंने मेडिसिन बंद कर दी थी उसके बाद भी, तब जाकर मुझे इस चीज़ से राहत मिली है और मैं अब बिल्कुल बैठ सकती हूँ। तो आप ये चीज़ बिल्कुल मत सोचिए कि आपको शर्म लगेगी कि मैं ये क्या लेके जा रही हूँ, क्या घूम रही हूँ। अच्छा, मैं फिर दूसरे तरफ चली गई, मैं आपको बता देती हूँ कि एक ट्यूब लेनी है आपने, टू व्हीलर की, बाइक की ही लेनी है, बाइक या एक्टिवा की आप किसी की भी ले सकते हैं, थोड़ी नरम टाइप की लें, एक हार्ड आती है मैंने देखी है, पर मैंने जो ली थी लकीली वो बहुत नरम थी, और वो ट्यूब लेकर मैंने उसमें हवा भरी, तो उसे फुल मत भरें हवा को, उसमें ट्यूब में हवा फुल नहीं भरनी है, आपको बहुत ही कम रखना है उसमें, मतलब आप जैसे बैठें तो आप बस जो सरफेस है उससे टच ना करें, उससे थोड़ा ऊपर रहेंगे, लेकिन अगर आप फुल भरते हैं तो आपको पेन महसूस हो सकता है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। अदरवाइज़ अगर आपको फुल भरने के बाद भी आप बैठ सकते हैं आराम से, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ है कि अगर आप बैठने में प्रॉब्लम है आपको, तो आप बैठने के लिए बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए, आप पैसा भी कुछ खर्च नहीं हो रहा है, 100-150 रुपए की एक ट्यूब आ जाएगी, नई लेना, थोड़ा नरम टाइप की लेना, और उसमें हवा भरिए, आप पहले अच्छी भर लीजिए उसमें हवा, और अगर आपको उसमें रिलीफ आता है बैठने से तो आप उसे कंटिन्यू रखिए। वो बैठना ही है, नीचे बैठे आलती पालती मारें, चाहे कुछ भी चेयर पे भी बैठें, आपको वही रखनी है, और उसके बाद आप बैठ कर आराम से कुछ भी काम कर सकती हैं, ठीक है। और अगर आप ऑफिस जाते हैं तो अगर आप ऑफिस में ले जा सकते हैं तो आप ज़रूर ले जाइए, वरना आपको मैंने बताया है कि सर्जिकल स्टोर कोई भी होता है वहाँ से आप बैठने के लिए गद्दी आती है वो आप ले सकते हैं, ऑफिस में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे लिए तो बेस्ट रहा वो ट्यूब, ठीक है, क्योंकि मैंने पैसे भी खर्च किए, मैंने अपने आप प्रिपेयर भी किया, बना के देखा, पर मुझे उससे रिलीफ नहीं आया, मुझे ट्यूब से ही रिलीफ आया, और ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, इसलिए आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं अपने मन से बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उसमें हवा भरिए, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हवा भरने पर आपको आराम नहीं आ रहा है, देखिए तो समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि अगर हवा ज़्यादा भरने पर आप उस पर बैठ नहीं पा रहे हैं तो आपको उसमें से हवा निकालते रहना है, थोड़ा थोड़ा हवा निकालिए और फिर बैठ कर देखिए, फिर हवा निकालिए फिर बैठ के देखिए, तो आपको स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि आप जैसे आप कुछ सेकंड भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो कुछ मिनट बैठ पाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। तो जैसे आप 5 मिनट बैठते हैं, फिर आप 10 मिनट बैठने लगेंगे, फिर आप आधा घंटा बैठ सकते हैं, फिर आप 1 घंटा बैठ सकते हैं, तो धीरे धीरे करके टाइमिंग आपका इंक्रीज़ होता जाएगा बैठने का, क्योंकि आपके जो टिश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और
स्लिप डिस्क वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बैठते हुए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इग्नोर किया इन चीज़ों को, मुझे जो डॉक्टर हैं उन्होंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आप आलती पालती मार के ना बैठें, स्लिप डिस्क है तो देखिए ये पॉइंट मैं भूल गई थी बताना आपको कि अगर आपको स्लिप डिस्क है तो आलती पालती मार के बैठे ही मत। पहली बात तो आपको बैठना है चेयर पे बैठें या बेड पे बैठें और पीछे से एक टेक लगा लें, जैसे गांव तक क्या होता है हल्का सा टेक लगा लें कमर के पीछे और तब बैठें। चेयर पे बैठना है तो मैंने आपको बताई दिया कि उस गद्दी का यूज़ करें या फिर आप ट्यूब का यूज़ करें तब बैठें। नीचे बैठना आपके लिए अभी सही नहीं है, आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर भी अगर बहुत ज़रूरी है तो आप किसी दीवार के सहारे से बैठें और वहाँ पर गद्दी रख दें और या ट्यूब रख दें वहाँ पर दीवार के सहारे पे, मतलब आपकी जो पीठ है उसका वजन दीवार ले ले और तब आप बैठें, तो मैं समझती हूँ कि आप बैठ पाएंगी। मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए सफ़र करना भी बहुत मुश्किल था, तो जब मैंने ट्यूब अप्लाई किया तो मैं जब भी बस में जाती थी, क्योंकि दवाई लेने के लिए जाना पड़ता था, तो हम लोगों को मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ कन्वेंस तो चाहिए है ना, तो उसमें मैं ट्यूब रख के ले जाती थी और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लोग मुझे पूछते थे मैडम ये क्या है, तो मैं तो बता देती थी भाई डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, मैं बैठ नहीं सकती, मुझे दिक्कत है। कुछ लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं आपको उनके लिए ये नहीं करना है, आपको ये अपने लिए करना है, अपने आप को ठीक करने के लिए करना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और आप ये चीज़ अपनाएंगे तो आप बहुत जल्द इस चीज़ से रिकवर कर पाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर ये कहना चाहती हूँ कि आप बेफिक्र होकर इन चीज़ों को करते रहें। अच्छा, मैं अगर कोई चीज़ भी याद आती है तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाती रहूँगी लगातार। आप अपने कमेंट्स, किसी तरह के भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करती रहूँगी। मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि स्लिप डिस्क एक ऐसी तकलीफ़ है जहाँ पर लोग ये कह देते हैं कि अब आप ठीक नहीं हो सकते हैं। एक कमेंट आया है मुझे कि मैडम मैं मेरा ऑपरेशन हो चुका है, उसके बावजूद मुझे अब बहुत परेशानी है। मैंने वो कमेंट पिन किया है, आप जाके देख सकते हैं उसे। तो बहुत से लोगों को नहीं रिलीफ पड़ता है ऑपरेशन से, तो ऑपरेशन की तरफ ना जाएं, पहले आप खुद को ठीक करने की पूरी कोशिश करें लास्ट तक, और अगर आपको नहीं आराम आ रहा है तो आप फिर जो आपको ठीक लगता है वो करें, है ना। तो बस मैं तो आज इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।